हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो इससे पहले की वीडियोज़ हैं, हम उनमें गुडविल चैप्टर की एक्सरसाइज के फर्स्ट 29 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज करते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन गिवन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करके गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब आइटम्स देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट दिया हुआ है। और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक ही प्रॉफिट गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो यही हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं स्टेप 2, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सॉल्व करते हैं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने कैलकुलेट यहाँ लिख लिया 2 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10% रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 लैक्स। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं इसको। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 लाख। और लास्ट हमारा होता है स्टेप नंबर 4, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारे पास 20 लैक्स, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 16 लाख। दोनों को माइनस करके आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख इज द वैल्यू ऑफ आर गुडविल। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है हमारे गुडविल चैप्टर का कैपिटलाइजेशन मेथड। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम हमने कहाँ पर लिखनी है और उनका सीक्वेंस क्या है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फर्म अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री इज 15%, नॉर्मल रेट गिवन है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 2 लाख। यहाँ से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी और हमने गुडविल निकालनी है बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम स्टेप नंबर 1, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं 3 लाख। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाय रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 15% मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 20 लैक्स। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, इसका मतलब है कि हम एसेट साइड अप्रोच को यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में हम लिखते हैं 17 लाख और लाइबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। ये आ जाएगा हमारे पास 15 लाख, हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी आई है 20 लाख और नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कैलकुलेट की 15 लाख। सो वैल्यू ऑफ आर गुडविल इज 5 लाख रुपीज। आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि हमने किस चीज़ को किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गुडविल चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए। और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।